आश्वासन लोग देते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। तो अब आप लोग का निर्णय क्या होगा, आपका निर्णय क्या, आपका ओपिनियन क्या होगा? फाटक का निर्माण है वो नहीं हुआ, क्या कहेंगे इस पर? गवर्नमेंट का इधर ध्यान नहीं है सर, फाटक नहीं होने की वजह से काफी एक्सीडेंट होता है यहाँ पे, और इधर रास्ता भी क्लियर नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इस पर नजर ही नहीं करती अपना, मतलब देखते ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, हमने आयल ही राय रवन से जाने कि इस क्षेत्र में हम समस्या लगातार 10 साल से सुना थे कि फाटक बनी, रोड बनी, कुछ बनत नहीं थे, का विचार बा? हम लोग कहते यह विचार है न भैया, यहाँ के जो सांसद हैं चाहे विधायक हैं, हम लोग के बदलाव चाहिए, उसी आदमी को वोट देंगे जो फाटक बनवा देगा, वोट गारंटी के साथ देंगे। कि फिर उसी को टिकट मिल रहा है जो पिछले बार 10 साल राज कर लिया और अभी तक नहीं बनाया, कैसे करिएगा? उसको नहीं मिलेगा, कहने जाए थी रवन लाइन देगा थी, लाइन देगा फिर ना आए बोझा बिना वहीं से आना, तो क्या करूँ हम बुढ़ा ढड़ाई पर जाए कहियो तक पूजाइए ना जाए कई दिन बचल ही था। आओ घटना घटल बा यहाँ का पहले? हाँ पहले घटल बा, हाँ पहले घटल बा। अच्छा इन्हें देख के बताओ, अब की फिर ओकरे टिकट मिलल बा जे 10 साल ठग दलक, क्या करबे अब की? अब की बनी काहे ना बनाई रंगवा तो ओकरे तो भाई केकरा दी वोट बा? हां फिर वोट बा ना नहीं ओकरे बनाई मो की च मोदी सरकार ने कमा ची कर देले बहिन हमिन के डगानो तो नहीं देलन मोदी सरकार। अब कई बार घटना यहां घट गई, कई बार घटना घट गईला जब जब कई खूना हम हड़ताल कैली एको खून नहीं। हम लोग के क्रॉसिंग चाहिए, और जब ये रेलवे लाइन बैठ रहा था उस समय हम लोग हड़ताल किए थे, तो हैबा वाला बोल रहा था चाहे मियाथी भी बोल रहा था जो ठेकेदार लिया था वो भी कि नहीं मानेगा तो चढ़ा देंगे, तो हम लोग साइड हो गए थे, छोड़ दिए, कुछ दिन डांटेंगे दौड़े लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम लोग साइड हो गए, क्या करे, हम लोग के बस के बात नहीं है, अब आवाज उठाएगा सब कोई मिल के तभी तो कुछ हो सकता है। अच्छा अब इसके हमको लगता है एक महीना पहले आप लोग बीडी राम के यहाँ गए थे, धरना प्रदर्शन किए थे, उसका कोई रिजल्ट निकला? नहीं कुछ नहीं निकला है। तो अब की फिर वोट में आवत बड़े, लोकसभा के चुनाव है ना, फिर आवत बड़े, कैसे करोगे? कैसे करोगे आपके? कैसे करेंगे, जो बनवाएगा उसको जिताएंगे ना? हाँ ये पक्का है, जो बनवाएगा उसको जिताएंगे, लेकिन इस बार वोट किसको करना है ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। हमने जब डबल इंजन की सरकार थी वैसा नहीं था, मैंने सरकार में दो दो बार मैंने रहा, लेकिन जब डबल इंजन की जब सरकार थी उस समय भी जब रघुवर दास जी यहाँ पर थे लोगों ने मांग किया, माननीय सांसद हमारे जो बीडी राम जी थे उनसे भी लोगों ने मांग किया, उन्होंने केवल आश्वासन दिया, जब एक बार फिर यहाँ पर फिर आए सांसद फिर उन्होंने कहा कि अब यह जो रेलवे फाटक हम नहीं बना सकते हैं क्योंकि मेरा बस की बात नहीं है, यह जो है कि हेमंत सोरेन बनाएंगे। अच्छा, ये केंद्र सरकार की योजना है लेकिन उन्होंने बोले हेमंत सोरेन बनाएंगे, जब मेरी सरकार आएगी तब हम इसके बारे में सोचेंगे। तो मुझे बहुत तकलीफ लगा, तकलीफ इसलिए लगा कि जब मेरे डबल इंजन का जब सरकार थी उस समय आप तो सांसद थे, उस समय भी आप रघुवर दास जी को बोल सकते थे, आपके प्रशासन आपके जो क्या नाम है डीसी साहब हैं, डीआरएम साहब हैं, तो डबल इंजन की जब सरकार थी तो आपने उस समय क्यों नहीं किया, आज बोलते कि हेमंत सोरेन करेंगे। अपने सुवासियों से आप क्या निवेदन करेंगे इस बार वोटिंग के लिए, क्या लोगों को? अपने सुवासियों से हमेशा सुवा कोड़िया का, मैंने पलामू वासियों से, पूरे पलामू वासियों से, जितना हम लोग जो है आदिवासी पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, यही मांग करेंगे काम नहीं तो वोट नहीं, काम नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि हम ऊपर नहीं देखते हैं, हम नीचे देख कर चलते हैं, ऊपर देख के चले, दो दो बार गड्ढा में लोग गिरा, हम यही लोगों से आशा मैंने यही चाहते हैं, ऊपर मत देखिए नीचे देखिए, आपका प्रत्याशी काम करेंगे, तो यही हम भाई यही चीज हम इन लोग से कहते हैं कि आप अपने प्रत्याशी को देखें। आप भाजपा भी कहती थी पहले, पहले जो पहले की जो बीजेपी थी वो पहले कहती थी कि नहीं कि प्रत्याशी को वोट दो, यहाँ तो दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना है पार्टी क्यों नहीं बड़ी हो जाए, लेकिन अगर ऊपर से लोग किसी दूसरे को टिकट देते हैं तो कहीं ना कहीं टिकट देने वाले का भला होगा, आपका भला नहीं होगा। 2024 का चुनाव आ रहा है, फिर से लोग नेता विधायक आएंगे, अब कहेंगे वोट दीजिए, क्या करना है? तो वोट कैसे मिलेगा जब तक लाए हम लोग के नहीं देंगे डेगान रैन क्रॉसिन, हम लोग कैसे देखेंगे लड़का जा रहा है, हम लोग मार के भगाएंगे, ठान लिए हैं। हाँ ठान लिए हैं कि मार के भगा देंगे, जब तक रैन क्रॉसिन नहीं मिलेगा किसी का वोट नहीं मिलेगा। एक दो चकिया गाड़ी एक ठो इमरजेंसी में तबियत लड़का का खराब था, लेके गया गाड़ी लाइन में फंस गया, गाड़ी भी कट गया, लड़का भी बच गया, और दूसरा में एक बूढ़ी वहां पर घटना हो गया, वो लाइने में कट गया, एक बूढ़ी हमारा नानी था,
इस बार आलोक भी फिर आई है, बीडी राम भी आई है, तब का कहा बने के? कोई राम आई है, कोई वोट ना मिली ना। नहीं, सारा जो पंचायत का कार्यालय है वो उस पर है, उसी पर। इस बार क्या करना है? वोट फिर आ रहा है 2024 का चुनाव, फिर सांसद विधायक आएंगे और वोट मांगेंगे, क्या करना है? वोट लेना का लूर है उस सबका। तो आप लोग का जवाब दीजिएगा? वो आए तो पहले फाटक का तो मांग हो ही रहा है, लगभग 2-3 साल हो गया और यहाँ काफी घटना होते जा रहा है। हर वर्ष ऐसे कुछ न कुछ लोग, एक दो आदमी कटता है, गाड़ी भी कटता है, ऊपर से केस भी रेलवे लाद देता है उल्टा के पलटा। मतलब और ट्रैक भी नहीं बनाएगा और गाड़ी किसी तरीके से फंस गया तो केस भी डाल देना है, केस भी डाल देना है उल्टा ऐसे हम लोग के बहुत। जाइएगा तो डायरेक्ट जाए कि अपना घर छोड़ के भाग जाएंगे, तो हम लोग करेंगे क्या? तो अब की वोट में क्या करिएगा? जो हमारा काम करेगा पहले उसी को हम वोट देंगे, नहीं जो काम नहीं कर पाए नहीं देना है। जब तक अगर पहले बन जा रहा है तो वोट दे देना है खुशी से, अगर क्रॉसिंग नहीं बनता है तो हम लोग वोट देने जाए ही नहीं करेंगे, चाहे बीडी राम का वोट हो, लोक चरोसिया का वोट हो, चाहे कोई भी, केवल पंचायत का वोट होगा उसको हो सकता है। एने जाए तो नदी में डूब के मारा, उन्हें जाए तो लाइने में पूजा के मारा, लाइनों में पूजा उल्टी हम पूजा जाए तो हमारे मर्दाना पर कैसे हो? उल्टी रेलवे वाला केस, उल्टी रेलवे वाला केस कर देवत बने। ऐसे कितने लोगों पर केस होगा? इका डीडी बा, का नाम है बॉस? सोनू सिंह। तो क्या ये लोग का रेलवे वाला क्या करता है? रेलवे वाला जो जैसे कि अगर जो आपका बाइक कट गया तो उल्टिया मतलब केस करता है, खुद हम 4 दिन जेल काट के आए हैं और यहाँ लगातार 10 साल से मांग कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा, कोई सुनवाई नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन और इस वक्त मैं मेदिनीनगर सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम सुआ के निराला टोला स्कूल के समीप खड़ा हूं और आज हम मतदाता जागरूकता अभियान के दौरान यहां उपस्थित हुए हैं और यहां के जो समस्याएं हैं लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि यहां के राजनीतिक दल के लोग, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो सांसद हो या विधायक, आज तक इन्होंने जनता के साथ क्या आश्वस्त किया है और क्या आश्वासन दिया है और कितनी मांगे पूरी की गई है, सारी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे और ग्राउंड रिपोर्टिंग देखने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए और हम बात करेंगे। चलिए, क्या नाम है? लाल बहादुर साहू। आप पहले शख्स हैं जिससे हम अभी बात कर रहे हैं आप ही के क्षेत्र में, हम आके आपसे ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं, हमने देखा है, पेपरों में भी देखा है, मीडिया सोशल मीडिया में भी देखा है और नेताओं के द्वारा भी हमने सुना है। कई सालों से, यानी 10 से 15 सालों से यहाँ पर रेलवे फाटक की मांग की जा रही है। हाँ, वो पूरा अब तक क्यों नहीं हुआ? कहे कि यहाँ के न नेता और न विधायक ने कोई भी मैंने सांसद यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं हम लोग के प्रति। हम लोग 2-4 बार रेलवे विभाग के कर्मचारी को यानी जेएम को भी सूचना दिया कि यहाँ पर रेलवे फाटक की जरूरी है, हम लोगों को यहाँ आने जाने में दिक्कत होती है और किसी इधर जो है से इस पार रेलवे इस पार भी जमीन है और आदमी का और उस पार भी जमीन है और रेलवे में आने जाने का हम लोग को तकलीफ होता है जिसके चलते हम लोग को परेशानी है और आज तक हम लोगों को सरकार ध्यान नहीं दे रही है इस पर। अच्छा, एक सवाल और हम पूछेंगे, यहाँ पर घटनाएं भी लगातार कई बार हो चुकी है। हाँ। उसके बावजूद भी अगर सरकारें आपको नहीं सुन रही है तो एक क्वेश्चन है, चूंकि हम लोग मतदाता जागरूकता भी अभियान चला रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से भी। हाँ। और जो जिले के अधिकारी हैं उनका जो निर्देश है कि मतदाता को जागरूक करें और ऐसे नेता को चुनने के लिए उनको बोले जो क्षेत्र में काम किया, और आपने बोला कि 10 सालों से कोई काम नहीं हुआ, फिर से वही सांसद वही विधायक को टिकट मिलने वाला है, क्या करेंगे? नहीं, काम तो मैंने आश्वासन लोग देते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। तो अब आप लोग का निर्णय क्या होगा? आपका निर्णय क्या, आपका ओपिनियन क्या होगा? हम लोग निर्णय यही है कि जो आदमी काम को करे वैसा ही नेता को हम लोग चुने, यही हम लोगों का विश्वास है। चलिए, तो मतलब जो 10 साल से सरकार जिसकी चल रही है, जिसके विधायक है, जिसके सांसद है, उसको नकारना है, क्या करना? परिवर्तन तो होना जरूरी है। परिवर्तन होना जरूरी है।
चलिए, इन्होंने अपना राय दिया और काफी सूझे हुए व्यक्ति हैं। इन्होंने कहा कि परिवर्तन जरूरी है और भी लोगों से हम बात करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर हमको लगता है जन वितरण प्रणाली का दुकान है और यहाँ पे बहुत से लोग उपस्थित हैं और सारे लोग यही इसी पंचायत के रहने वाले हैं और ये चेरो आदिवासी का बहुल गांव है। मतलब सुआ जो है रिजर्व सीट भी है पंचायत अगर स्तर पे भी देखें तो मुखिया का यह रिजर्व सीट है। इन लोग से हम बात करेंगे, एक युवा साथी है। क्या नाम है भाई आपका? चंदन कुमार। कहाँ के हैं आप? यहीं लोकल सुआ। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कई वर्षों से लगातार एक तो समस्या है आपको रेलवे फाटक का और आप जैसे यहाँ से निकलते हैं तो अगर शहर जाना है आपको तो चियाकी होके जाते हैं और आपका नजदीक में डाल्टनगंज है यहाँ से नजदीक में, तो ये रोड खराब क्यों है और अब तक जो फाटक का निर्माण है वो नहीं हुआ, क्या कहेंगे इस पर? गवर्नमेंट के इधर ध्यान नहीं है सर, फाटक नहीं होने की वजह से काफी एक्सीडेंट होता है यहाँ पे और इधर रास्ता भी क्लियर नहीं है लेकिन गवर्नमेंट इस पर नजर ही नहीं करती, अपना मतलब देखती ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी देखिए बहुत सारे संस्था एनजीओस और सरकार की भी कई जो ये है डिपार्टमेंट है वो काम कर रहा है जागरूकता अभियान के लिए और हम लोग भी उसी के तहत आए हुए हैं, मतदाता जागरूकता अभियान। तो 10 सालों से जिनकी सरकार है वो काम नहीं कर रहा, आपने बता दिया, अब क्या है बदलाव का दिख रहा है आसार या फिर वही जो काम करेगा उसी को वोट करना है या फिर नहीं क्या उसको कर देना है? इसका अपना पर्सनल डिसीजन थोड़े बता सकते हैं सर, अब अपना अपना ओपिनियन लोगों का क्या है, आपका ओपिनियन हम जानना चाहते हैं। अगर मेरा ओपिनियन देखिए तो हम पर्सनली यहाँ का अगर सांसद का बात करें तो हम तो उन्हें वोट नहीं देंगे क्योंकि उनका काम कुछ ओपनली दिख नहीं रहा है, लेकिन केंद्र सरकार को अगर देखा जाए वहाँ के मध्य नजर से तो उनका जो मतलब सपोर्टर हो गया जो उनका मतलब कैंडिडेट होगा उनको वोट करेंगे। चलिए, मतलब बीडी राम की बात इन्होंने क्या कि सांसद का नाम देखा जाए सांसद को अगर लिया जाए तो उन्होंने काम नहीं किया है उनको वोट नहीं करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार के जो मतलब आप केंद्र सरकार को सपोर्ट करते हैं? हाँ, केंद्र सरकार सपोर्ट करते हैं। अगर केंद्र सरकार फिर से वही आदमी को टिकट दे तो फिर सोचना पड़ेगा, है ना? सोचना पड़ेगा, देखिए सोचना पड़ेगा, सोचना तो है जरूर। आपका क्या नाम है दादा? चमन मिस्त्री। चमन मिस्त्री जी, कहाँ के हैं आप? यहीं के हैं। तो क्या समस्या है पहले गांव का बताइए तो कुछ आपको समस्या दिखता है कहीं कि समस्या है ही नहीं है गांव में? अरे देखता है कि लोग करेगा तबे ना। एक आपको समस्या बताइए तो क्या समस्या है? नाम लिखा पर रोड ई वाला रेलवे वाला ई वाला जो बन जाता है ना रोड वाला, हाँ। जो डाल्टनगंज जाती है, हाँ, बहुत परेशान करता है। हाँ, देखिए ये बुजुर्ग हैं और ये बोल रहे हैं कि डाल्टनगंज जाने वाले जो रोड है जो रेलवे के किनारे किनारे है वो बन जाता तो अच्छा होता, क्योंकि ये गरीब लोग हैं और गरीब लोग के पास लगातार पैसा दे करके डाल्टनगंज होके अचियाकी होके जाना बड़ा मुश्किल है और ये रोड पर फोकस कर रहे हैं। अभी तो देखे हैं कि कुछ मोरम मोरम डालल है, उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है, तो बन जाता तो बढ़िया रहता है, बन जाता तो बढ़िया होता, फायदा होता, इधर से कम पैसा लगता, आप लोग पैदल भी चले जाते नहीं? पहले हम लोग चल ही रहे थे, है ना? और अब कितना दिन से बंद है ये रास्ता? ये दिन से बंद है ना। देखिए रोड का भी समस्या है, जो डाल्टनगंज शहर को जोड़ने वाली रोड है यहाँ से सुआ से उसकी समस्या है और ये बोल रहे हैं कि बन जाता तो अच्छा होता, कहीं ना कहीं गरीब लोगों के लिए ये काफी सहूलियत होता, ये इनका राय था। क्या नाम है? क्या नाम बार और बताओ, मैंने इधर 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 बताओ, रघुआ बताओ, उनका से पूछ भाई, हम उनको से इधर बताइए, क्या नाम बा? कोसीला देवी। कहाँ घर पड़ी? ओनी पड़ी, नदी होकर ना रेलवे लाइन होकर? हाँ, लाइन होकर। तो लाइन होकर आवे जावे में समस्या हो वाला, यहाँ के नेता लोग बतियात बड़े लेकिन काम निखन करत, का कहे थी होनी के? अब ओके ने का कहबई हम कर बनाई है यो का बना दिए हमन के बेगान नहीं के, तो ई 10 साल से बोलत बड़े बनावत नहीं के, कैसे करब? अब कहे वाला कह दिए, अब तो भोटवा केकरा करबे? फिर ओकरे करबाई जे नहीं बनते ओकरे ना, भोटवा तो यहां देबे करब, तो केकरा देबाई? अब जाना थे कमल ली है, हैं? अच्छा आप बताइए का नाम हुआ आपका? चरकी देवी। तो आपकी क्या करना है, कई साल से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कई गो दुर्घटना हो गया होगा लाइन जो क्रॉसिंग है वहाँ पर, वहाँ बना देवा था तो थी डेगान, तो के बनाई तो सांसद विधायक ना, अब बनाई है तबे ने, तो नईखन बनावत तो होनी के बदलबे की? अब बदलई है कि का होई है, आजू से हमन दौड़ल ही है ना, त
कि डेगान वहाँ डेगे में तनी लड़को के अथी रहला वहाँ ला लाश जाला कहाँ सुआ स्कूल ला और चर चर गो हो जाए लाइन तो कैसे डेगी है पूजेबे न करी है और अथी देते नहीं खा तो अब की क्या कर ले रहुआ आवाज उठबे तबे ना है उसी उहे खातिर हम आयल ही कि कम से कम अभी चुनाव के समय आवत बा तो फिर नेता लोग आई है कही है कि बना दे अब फिर 10 साल गोल बनाइए का सब अथी हाथ कॉलोनी सलोनी देते नहीं खन है ना तो का देखिए कॉलोनियों का समस्या है यहाँ पर भाई देते नहीं खन माटी के घर में रहती पक्का के घर में कहीं और कुछ कहना चाहते सरकार के पास न्यूज जाई खबर बताए तो ना कहिए जे बना दे बनाइए ना हाँ गिरलावा चलिए देखिए यहाँ से भी राय लगभग वही है कि जो नहीं कर रहे हैं जो नहीं बना रहे हैं उनसे हम लोग आपका क्या नाम मेरा नाम तो अवध किशोर यादव एक कार्ड के कर शादी बा डीलर साहब का लड़का डीलर साहब के तो मेहनत कर दो थी नहीं अच्छा हमने आयल ही राय अरवन से जाने कि इस क्षेत्र में हम समस्या लगातार 10 साल से सुना थे कि फाटक बनी रोड बनी कुछ बनत नहीं थे का विचार बा हम लोग के तो यह विचार है न भैया यहाँ के जो सांसद हैं चाहे विधायक हैं हम लोग के बदलाव चाहिए बदलाव एकदम कर देना है हाँ तो फिर यही वोट मांगे क्या करो उन्हीं का कैसे जवाब लगाई जवाब हम लोग देंगे ना है ना क्या कहिएगा ये आएंगे तो क्या कहेंगे जो हाँ हमारा पंचायत में आप काम दिखाइए अपना दिखाएंगे तबे ना बिल्कुल हाँ ये लाइन क्रॉसिंग खातिर हम लोग तनी मनी अथी किए हैं पास कैला बी डी राम काट दिए देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि पास किया हुआ बी डी राम जो है वो हटा दिए और एकदम स्पष्ट रूप में बोल रहे हैं कि इस बार बदलाव जरूरी है और दर्द भी है इनके अंदर हम देख रहे हैं हालांकि कुछ ज्यादा ओपन होने से ये थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं लेकिन दर्द है कि बदलाव करना जरूरी है आपका नाम मेरा नाम अमरेश कुमार सिंह कहाँ घर हुआ सुहा क्या समस्या है बताइए तो समस्या ये कि हम लोग के आना जाने बहुत कठिनाई पड़ रहा है इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्रॉसिंग मिल जाता तो ठीक था तो यहाँ से हम सुनते हैं 10 साल 15 साल हो गया कुछ नहीं लोग बोले कि बी डी राम तो कटवाइए दिए बात सही है लेकिन हम लोग ऐसा चाह रहे हैं कि बन जाता तो ठीक था समझ गए ना तो 10 साल से आप लोग परेशान है परेशान है तो अब की वोट केकरा करना है क्योंकि हम लोग जागरूकता अभियान कर रहे हैं मतदाता का तो पूछ भी रहे हैं कि आखिर काम नहीं कर रहे हैं उनको वोट करना है या फिर नया लोग को चुनना है नहीं नए लोग चुनेंगे ताकि मैंने काम भी अच्छा रूप से हम लोग के सफल करवा देवे है ना मैंने पिछले विधायक सांसद को नहीं देना अब कहने का मतलब देखिए ये जी है ना कि काम मान लिया जाए कि हम लोग के होना बहुत जरूरी है और मतलब कि क्योंकि हम लोग के आने जाने बहुत दिक्कत हो रहा है लाइन ऊपर से कई बार हम लोग के आना जाना रहता है लेकिन फिर भी हम लोग के बहुत डर बहुत लगता है चलिए देखिए कई बार मीडिया पर यह सवाल खड़ी किया गया और कहीं ना कहीं समाचार पत्रों में भी फाटक को लेकर के कई बार प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया ने आवाज उठाया लेकिन हम आज जनता के बीच आए हैं घर घर घूमने का प्रयास कर रहे हैं और घर के लोगों का आवाज आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं आप भी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा इस खबर को देख करके लोग जितने लोगों से भी हमने बात किया कहीं ना कहीं वर्तमान जो यहाँ के सांसद है विधायक है उस पर काफी गुस्सा जाहिर इन्होंने किया है आपका क्या राय है वो रेलवे ट्रैक के ऊपर जहाँ पर लगातार 10 से ज्यादा वर्षों से मुझे लगता है कि ये मांग जो है वो फाटक के लिए किया जा रहा है लेकिन यहाँ के कोई भी नेता क्षेत्रीय विधायक या सांसद इसको पूरा करने से असमर्थ हैं और लगातार यहाँ के लोग जो है वो मांग कर रहे हैं और कई घटनाएं भी हो चुकी होगी इस ट्रैक पर जैसा मुझे जानकारी प्राप्त है और ये 3 ट्रैक पहले 2 थी लेकिन अब ये नया 3रा ट्रैक भी बन गया और अब हम बात करेंगे देखिए वहाँ पे कुछ लोग हैं ना वो शायद गाड़ी पे खड़े हैं और अब कहाँ जाना है उनको और कैसे जाएंगे वो हम पूछेंगे आइए तो क्या अरविंद सिंह अरविंद जी कहाँ घर आपका घर तो यही है तो अभी आप कहाँ जाने के लिए निकले हैं हमारा अभी जाना है चियाकी तो चियाकी जाना है कैसे जाइएगा लाइन पार होकर जाएंगे तो फाटक ही नहीं है कैसे जाइएगा कैसे इसी में पार करेंगे इसी तो यहाँ तो लगातार कई दिनों से फाटक के लिए मांग किया जा रहा है लेकिन कोई यहाँ के नेता विधायक
कोई सुन नहीं रहे हैं, तो इसीलिए हम आप लोगों से जानकारी लेने आए हैं कि आखिर इस बार वोट किसको दीजिएगा। वोट उसी आदमी को देंगे जो मेरा फाटक बनवा देगा, हाँ उसी आदमी को वोट देंगे जो फाटक बनवा देगा, वोट गारंटी के साथ देंगे। तो फाटक बनाने के लिए तो बड़ी यहाँ लोग आश्वासन दे रहा है, पेपरबाजी हो रहा है खूब, लेकिन बन नहीं रहा है। कहाँ बन रहा है, बहुत सा आदमी आया गया आश्वासन दिया नहीं बन पाया। तो अब की फिर उसी को टिकट मिल रहा है जो पिछले बार 10 साल राज कर लिया और अभी तक नहीं बनाया, कैसे करिएगा? उसको नहीं मिलेगा, उसको वोट नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये लोग से बात, कहाँ घर है? डीटीएस, इधर आ जाइए। तो डीटीएस आप लोग को डाल्टेंगे जाना होता है तो चलिए इधर से नजदीक होता है या फिर कैसे जाते हैं आप लोग? इधर से वहाँ पर गाड़ी पार करते हैं, वहाँ पर तो क्रॉसिंग नहीं है, तो वहाँ से कैसे पार करते हैं फिर जाते हैं इधर डाल्टेंगंज। तो आपकी क्या करना है? जो बनवाएगा उसी को ना वोट देंगे, है ना? जो वो बनवाएंगे नहीं कहते कहाँ से उसको वोट देंगे, है ना? हाँ। देखिए हम यहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं, कई बार यहाँ पर नेता विधायक या फिर जो नेता हैं वो आए और मुद्दा उठाए लेकिन कोई उसका मतलब नहीं रहा, लेकिन यहाँ के जनता से हम आवाज पूछ रहे हैं कि क्या है दिक्कत और समस्या क्या है। जो बनवाएगा उसी को वोट मिलेगा फिर नहीं मिलेगा, है ना? हाँ। मतलब जो बनवाएगा उसको वोट करना है। हाँ। 10 साल से तो आप लोग आश्वासन दिए, अभी जो वर्तमान का उधर 10 साल से बेसी हो गया, उधर अथी बनवाएंगे नहीं किया तो कहाँ से वोट देंगे, है ना? हाँ। और एक्सीडेंट वगैरह कितना हुआ यहाँ? बहुत एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर, है ना? देखिये लगातार हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जानने का बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर लगातार कई बार एक्सीडेंट भी हुआ है, माल मवेशी से लेके जो मनुष्य है उसकी भी घटना दुर्घटना हुई है। बहुत एक्सीडेंट हुआ है, है ना? मोटरसाइकिल बहुत एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर भी हुआ, लेकिन ट्रैक फाटक लोग बनाने से इनकार कर रहे हैं। अच्छा एक चीज हम देख ले रहे हैं, जैसे कजरी में बन गया, हाँ, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं, हाँ, पंडित जी रहते हैं, हाँ, सब और बन गया पर यहाँ पर नहीं बन रहा, फॉरवर्ड क्लास के लोग वहाँ है, यहाँ हाँ, आदिवासी बेल्ट है, इसीलिए क्या नकार रहा है का कि आदिवासी लोग बोलेगा? हाँ, हाँ, यही के चलते नकार रहे हैं, है ना? तो इस बार आप लोग संगठित होइएगा? एकदम हो जाएंगे, एक संगठन रहेंगे, जैसे उधर बनवा लिया बनाना है इस बार, हाँ तैयार। मतलब क्या करना है कि इस बार अगर फाटक नहीं तो वोट नहीं, वोट गया कम से, है ना? फाटक नहीं मिलेगा तब वोट नहीं मिलेगा, जब तक फाटक नहीं मिलेगा तब तक वोट नहीं मिलेगा। देखिए जब तक फाटक नहीं मिलेगा, फाटक नहीं बनेगा तब तक वोट नहीं मिलेगा, ये लोग का ये कहना है। राहुल का नाम पड़ी? अमृता देवी। यहाँ कई साल से मैंने यहाँ रहा थी रवन, हम इन 20 साल से रहते हैं, है ना? तो लगातार मांग करल गेल बा लेकिन कोई देवत नहीं, कोई नखत देवत लगातार मांग करत बाड़े, मगर कोई देवते नखत। तो आपकी क्या करबे, आपकी वोट केकरा देबे? केकरा देबे जे क्रॉसिंग बनौते सेकरा देबे आउ का, है ना? हां अब नहीं क्रॉसिंग देबे, 10 साल से ठगले बड़न से ना नहीं देबे, है ना? ना देखिए जो 10 सालों से ठगा है उनको वोट नहीं करेंगे, क्रॉसिंग से मतलब ये निर्णय है इन लोगों का, बस उतने अथी बाहे। अब वो गार्जियन आ रहे हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं कुछ। आइए गार्जियन, इधर आओ, इन आ जाओ। का नाम पड़ी? परिमल सिंह। रहुआ बुजुर्ग आदमी है, ये समस्या ये जायज बा कि नहीं, ट्रैक जो निके आती निके बनल फाटक? कैसे निके जजबाना? तो मिलत कहे निके? कहाँ मिलत बजे? तो मैंने कल वोट लेत बड़े दौर ने, हां है ना? अब की का रहे बा, वोट अब के दबे कि नहीं दबे? कैसे नहीं दबे? तो केकरा दबे? वो 10 साल फिर ठग ले बड़े करे के दूसरा के, तो ठग के भागे जे त ओकरा का मिले, है ना? देखिए सबका लगभग हमने राय लिया है, जो ठग के भाग गए 10 सालों से, जो धोखा में रखा उसको वोट नहीं देना, ऐसा लोग बोल रहे हैं। चलिए कोई नहीं, हम कुछ लोग से राय ले रहे हैं, बाकी आपने जैसे कहा ना कि आदिवासी इलाका है, आदिवासी इलाका है इसीलिए लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम भी मेहनत किए इसके पीछे जहाँ तक बना, लेकिन आदमी नहीं घम पाए, ठीक है? वजह से नहीं। देखिए वहाँ देखिए रेलवे लोग क्रॉसिंग पार कर रहे हैं, देखिए कैसे बच्चे बच्चे लोग हैं, दिखाइएगा तो कैमरामैन से मैं आग्रह करूंगा, दिखाइए ये बच्चे लोग हैं देखिए। ये देखिए पूरे बच्चे लोग भी हैं, महिला भी हैं, इन्हीं लोग से बात करेंगे। कने जाए थी रघुवन? लाइन देगा थी, लाइन देगा फिर ना आए, बोझा बिना वही से आन रहा तो का करूँ हम, जो है बुढ़ा डराई पर जाए कहियो तो पूजाइए ना जाए, कई दिन बचल ही था। आओ घटना घटल बा यहाँ का पहले? हाँ पहले घटल बा, है ना? हाँ पहले घटल बा। अच्छा इन्हें देख के बताओ, अब की फिर ओकरे टिकट मिलल बा जे 10 साल ठग देलक, का करबे? अब की आपके बनी काहे ना बनाई ओकरे? तो भाई
केकरा दी वोट बा फिर वोट बा ना नहीं ना ई ओकरे बनाई भोकी छ मोदी सरकार के कमची कर देले बहिन हमिन के डगानो तो नहीं देलन मोदी सरकार कई बार घटना यहाँ घट गई कई बार घटना घट गई ला का जब जब हाँ कई खुना हम इन हड़ताल कर लिया को खुन नहीं कुछ कई ला इधर आओ ये ले सामने हो का नाम पड़े मेरा नाम ललिता देवी है घर सुआ है पोट सुआ है थाना डाटेंगे जिला पलामू के हैं तो अभी बहुत दिन से हम देखे थे 10 साल से लोग नेता लोग आवत बड़े और मुद्दा उठावत बड़े लेकिन बनत नहीं थे अब की का कर लवा रहे हम लोग के करोसिन चाहिए और जब ये रेलवे लाइन बैठ रहा था उस समय हम लोग हड़ताल किए थे तो हैबा वाला बोल रहा था चाहे मियाथी भी बोल रहा था जो ठेकेदार लिया था वो भी कि नहीं मानेगा तो चढ़ा देंगे तो हम लोग साइड हो गए थे छोड़ दिए कुछ दिन डांटेंगे दौड़े लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं हुआ तो हम लोग साइड हो गए क्या करें हम लोग के बस के बात नहीं है अब आवाज उठाएगा सब कोई मिल के तभी तो कुछ हो सकता है। अच्छा अब इसके हमको लगता है एक महीना पहले आप लोग बीडी राम के यहाँ गए थे धरना प्रदर्शन किए थे उसका कोई रिजल्ट निकला नहीं कुछ नहीं निकला है तो अब की फिर वोट में आवत बड़े लोकसभा का चुनाव है ना फिर आवत बड़े कैसे करोगे कैसे करोगे आपके कैसे करेंगे जो बनवाएगा उसको जिताएंगे है ना हाँ पक्का है जो बनवाएगा उसको जिताएंगे लेकिन इस बार वोट किसको करना है ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है मियाँ? पूनम देवी। क्या समस्या सही है समस्या यहाँ के? हाँ सही है। ट्रैक पे लोग कई बार कटा है मरा हाँ, लेकिन कोई ना कुछ किया। तो देखिए ट्रेन ट्रेन आ रहा है नहीं ये देखिए ट्रेन ट्रेन आ रही है और यहाँ पे उधर से भी लोग हैं और यहाँ पे भी लोग हैं और इसी तरीके से इसी रास्ते से लोगों का आना जाना होता है। समस्या देखिए कितना जायज है और यहाँ के जो सांसद हैं विधायक हैं उनका इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है सिर्फ वोट के समय आता है तो लोग वोट लेकर और 10 साल के लिए कहाँ चले जाते हैं जनता है उनको ढूंढ ढूंढ के परेशान। ट्रेन पार हो चुकी है देखिए कितना अभी मुझे डर लग रहा था जब ये यहाँ से ट्रैक पर जा रही थी और इधर से लोग आना जाना कर रहे थे और किसी भी तरीके से अगर अचानक इस तरीके का घटना घटता है और लगातार घटी है इसमें कोई वो नहीं है ना गाड़ी है घोड़ा है अब हम पूछेंगे डायरेक्टली पूछेंगे इस बार वोट किसको करना है? वोट तो किसको हम बताएं हमको तो उतना मालूम नहीं है लेकिन जो सांसद यहाँ के थे बीडी राम जी 10 साल रहे भाजपा के विधायक भी फिर किसको वोट करना है आप उसी को या दूसरा को? दूसरा को करेंगे उनको देख लिए कि का किए नहीं किए उनको तो देख लिए उतना दिन। आप लोग वोट किसको करिएगा? जो बनवाएगा उसी के करेंगे है ना हाँ। तो लगातार तो 10 साल से आश्वासन दो बड़ो करा बाकी उसको नहीं होगा ना। आप लोग चाहिए हम लोग जागरूकता अभियान के लिए चले हैं और ये जानने का कोशिश करें लोगों से कि जनता ने जिसको चुना कुछ नहीं किया वो कुछ नहीं किया फिर वोट उसी को नहीं। अच्छा एक चीज और यहाँ ये आदिवासी बहुल इलाका है मुझे लगता है आप चले जाइए अथी तोलरा रजहरा और आपको ये कजरी वहाँ सब बन गया चूंकि वहाँ बाबू साहेब के गाँव है फॉरवर्ड के लोग रहते हैं यहाँ क्यों नहीं बन रहा यही कारण है क्या? झारखंड बुड़बक है मैंने आदिवासी बुड़बक समझ रहा है लोग नहीं बुड़बक है ना है मतलब आदिवासी लोग को बुड़बक समझ रहा है। हम लोग हड़ताल भी किए तो नहीं मान आता किए हम लोग के कैसन विधायक थे कैसन मंत्री थे का उन लोग के नहीं दिख रहा है इधर कितना घर है बच्चा के हम लोग हाथ धर के लाइन टेकाते हैं लाते हैं हम लोग के परेशानी उठाना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो मतलब देखिए ये बोल रहे हैं कि बच्चे को हाथ धर के ले जाना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमन कुमार सिंह है। क्या अभी ये मुद्दा पूरा हाईलाइटेड है और अभी 2024 का चुनाव आने वाला है 10 साल से विधायक थे सांसद थे कुछ नहीं किया अब क्या करना है? अलीगढ़ बदलाव होगा तय कर लिया आप लोग? तय कर लिए हैं हम लोग यहाँ तो सांसद महोदय भी जाते जाते हम लोग परेशान हो गए
वो डांट के भी कभी कभी भगा देते हैं, बात हो रहा है लेकिन सब आश्वासन बात इधर आदमी को वहाँ जाना ही नहीं है। चलिए देखिए, हमारे बीच एगो युवा हैं और काफी जुझारू हैं, हम इनका राय लेंगे क्योंकि ये जो बता पाएंगे। इधर आ जाओ, इधर आऊँ तो रवन पीछे, चाहे आप इधर आ जाइए, ट्रेन से इधर हट जाइएगा, ठीक है। आपने काफी लोगों के लिए लड़ाई भी लड़ा है और कहीं ना कहीं एक दिन आप भाजपा के समर्थक भी रहे हैं, पहले तो आप ही बताएं भाजपा छोड़ा क्यों आपने? देखिए, बीजेपी के मैं 27-28 साल में बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में रहा। पार्टी का हर एक चीज को मैंने किया, पार्टी को लेकर हमने जितने भी हमारे जो उम्मीदवार हैं उनके लिए मैंने मेहनत किया। लेकिन पार्टी छोड़ने के पीछे ऐसा था कि कुछ मेरे अपने ही गांव के सुआ कोड़िया के, मैं राजेश कुमार विश्वकर्मा मेरा नाम है और मैं सुए कोड़िया से आता हूँ और सदर प्रखंड मेरा डाल्टेगंज है, जिला पलामू है। मैंने देखा अपने ही गांव में मेरा सुआ कोड़िया जो पंचायत है दो भाग में बटा हुआ, जैसे अभी आप रेलवे लाइन देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ना, इससे दो भाग में बटा हुआ। अगर कोई इलेक्शन के लिए भी कोई अगर कोई नेता भी आते हैं, उम्मीदवार आते हैं, तो उसको वो हमेशा आते भी हैं, उसको उधर अगर इधर भूसी लसुनिया घुसना हो चाहे बिन्हवा टोला, तो डाल्टेनगंज 2 नंबर टाउन से होकर तब फिर यहाँ आएगा वो, और फिर यहाँ से अगर उस तरफ जाना हो तो फिर यहाँ से उसको है कि डाल्टेनगंज 2 नंबर टाउन होके फिर हमको सुआ में आना पड़ता है, उन लोग को भी आना पड़ता है। और उन लोग एक जगह यहाँ पर एक बार नहीं, उन लोग दो हमेशा आता है, लेकिन इन लोग के कान में ठेपे लगा हुआ है। दिक्कत नहीं है, वो लोग कह रहे कि चर्चा क्या से चल रहा है, क्योंकि यह देखिए आदिवासी बहुल क्षेत्र है, अब यहाँ पिछड़ा भी है तो अति पिछड़ा के लोग है, उसमें हम भी आते हैं, अति पिछड़ा में ही आते हैं। हमने जब डबल इंजन की सरकार थी, वैसा नहीं था मैंने सरकार में 2-2 बार मैंने रहा, लेकिन जब डबल इंजन की जब सरकार थी उस समय भी जब रघुवर दास जी यहाँ पर थे, लोगों ने मांग किया, माननीय सांसद हमारे जो बी डी राम जी थे उनसे भी लोगों ने मांग किया, उन्होंने केवल आश्वासन दिया। जब एक बार फिर यहाँ पर फिर आए सांसद, फिर उन्होंने कहा कि अब यह जो रेलवे फाटक हम नहीं बना सकते हैं क्योंकि मेरा बस की बात नहीं है, यह जो है कि हेमंत सोरेन बनाएंगे। अच्छा, ये केंद्र सरकार की योजना नहीं है? हाँ, केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन उन्होंने बोले हेमंत सोरेन बनाएंगे, जब मेरी सरकार आएगी तब हम इसके बारे में सोचेंगे। तो मुझे बहुत तकलीफ लगा, तकलीफ इसलिए लगा कि जब मेरे डबल इंजन का जब सरकार थी उस समय आप तो सांसद थे, उस समय भी आप रघुवर दास जी को बोल सकते थे, आपके प्रशासन आपके जो क्या नाम है डीसी साहब हैं, डीआरएम साहब हैं, तो डबल इंजन की जब सरकार थी तो आपने उस समय क्यों नहीं किया, आज बोलते कि हेमंत सोरेन करेंगे, तो बहुत तकलीफ लगा। लगने के बाद जो है और गाँव की समस्या है, सुबह से 2 नंबर टाउन के लिए रोड बने, आज से नहीं बहुत पुराना रोड है। अच्छा, हम पूरे गांव में घूमे और लगभग हर परिवार से घर घर जाके पूछ रहे थे ये समस्या जायज है, तो उन्होंने जायज बताया। फिर से टिकट उन्हीं को मिला है, सांसद में अभी लोकसभा का चुनाव आ रहा है, यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि नहीं देना है, आपका क्या विचार है? मेरा भी विचार यही है कि जब मान्य सांसद महोदय जो है जब सर्वे कराए मीडिया के लोग, उनको 46% मिलता है, लेकिन पता नहीं सर्वे कैसे करता है लोग, अब उनको टिकट फिर तीसरा बार पार्टी ने उसके ऊपर विश्वास किया कि बी डी राम जी आएंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि आएंगे कि नहीं आएंगे, ये मुझे नहीं पता चलता है। लेकिन हाँ, मैं जो मुझे आपने जैसे पार्टी छोड़ने की बात कही, मैंने आहत होकर मैंने पार्टी छोड़ कर मैंने जेएमएम जाके ज्वाइन किया, इसलिए कि लोग काम नहीं कर रहे इसलिए छोड़ा? नहीं, अब आपकी भी नहीं सुनते? नहीं, हमारे भी नहीं सुनते थे, तो फिर मैंने मजबूरी में मैंने सांसद जी को बोला था कि जो सरकार का जो डीएमएफटी फंड जो पैसा आता है उसमें उन्होंने बात भी किया था डीआरएम से, तो उन्होंने कहा कि डीएमएफटी फंड से वो डीसी साहब बना चाहेंगे और आप चाहिएगा तो बन जाएगा, स्लीपर क्रॉसिंग भी आप बना सकते हैं, लेकिन ना तो अंडरपास बना ना स्लीपर क्रॉसिंग बना। तो अपने सुआ वासियों से आप क्या निवेदन करेंगे इस बार वोटिंग के लिए, क्या लोगों को? अपने सुआ वासियों से हमेशा सुआ कोड़िया का, मैंने पलामू वासियों से, पूरे पलामू वासियों से, जितना हम लोग जो है आदिवासी पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, यही मांग करेंगे, काम नहीं तो वोट नहीं, काम नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि हम ऊपर नहीं देखते हैं, हम नीचे देख कर चलते हैं, ऊपर देख के चले, 2-2 बार गड्ढा में लोग गिरा, हम ही लोगों से आशा मैंने यही चाहते हैं, ऊपर मत देखिए नीचे देखिए, आपके प्रत्याशी काम करेंगे, तो यही हम भाई यही चीज हम इन लोग से कहते हैं कि आप अपने प्रत्याशी को देखें। और भाजपा भी कहती थी पहले की जो बीजेपी थी वो पहले कहती थी कि नहीं कि प्रत्याशी को वोट दो, यहाँ तो दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना है, पार्टी क्यों नहीं बड़ी हो जाए, लेकिन अगर ऊपर से लोग
किसी दूसरे को टिकट देते हैं तो कहीं ना कहीं टिकट देने वाले का भला होगा, आपका भला नहीं होगा। अच्छा आपने कहा कि पहले वाले भाजपा, अब में क्या अंतर आ गया भाजपा में? पहले वाले भाजपा में है कि राय शुमारी लोग लेता था, राय शुमारी में लोगों को जो राय होता था उसी को कार्यकर्ता चाहते थे, उसी को टिकट मिलता, लेकिन अब तो टिकट जो है ऊपर से टपका दिया जाता है। अगर आपको जिला अध्यक्ष बनना है बीजेपी का तो राय शुमारी यहाँ होता है, ऊपर से लोग आके टपक जाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनना है तो ऊपर से लोग टपक जाते हैं, अब यह कोई नियम ही नहीं रह गया। देखिए इन्होंने बताया कि 10 वर्षों से लगातार लोग यहाँ गड्ढे में हैं और कहीं ना कहीं लोग फिर से जो अभी चुनाव आने वाला है 2024 का, भाजपा फिर उसी को दे रही है जो 10 साल गड्ढे में डाल के रखा है। यहाँ के लोगों से हमने बात किया, अस्पष्ट लोगों में लोग कहा कि नहीं इस बार भाजपा नहीं। अब देखिए ट्रैक्टर जा रही है, पता है कैसे जा रहे हैं लोग हैं, कहाँ से आप उसे लोग से ये इधर से बालू लेके जा रहे हैं, तो इधर अगर गिराना होगा तो 7 किलो कितना किलोमीटर घूम के जाते हैं इधर? 6-7 किलोमीटर। हाँ क्रॉसिंग जो है, क्रॉसिंग का मांग किया जा रहा है, बनता तो आपको फायदा होता कि नहीं? फायदा तो बहुत होता सर। तो अभी अभी क्या नेता लोग यहाँ सब आश्वासन करके जाते हैं बनाते नहीं है? नहीं बनाते हैं। क्या करना है, फिर चुनाव आ रहा है तो अब तो देखिए अब जो भी होगा तब सबके सलामत से ना होगा, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। अभी हम पूरा गांव घूम रहे थे, कहा कि जो 10 साल ठगा है उसको वोट नहीं देना है। आप लोग का क्या विचार है, युवा हैं आप लोग? जी अब उनको थोड़ी मिलेगा अब, है ना? क्या विचार है, 10 साल से आप लोग परेशान हैं और फाटक नहीं बन पा रहा है ना वहाँ ना यहाँ, क्या कहना चाहेंगे? नए नेता ने आगा, है ना, मतलब फिर से टिकट भाजपा को मिला है, बीडी राम को देना है? नहीं, बीडी राम को नहीं वोट देना है। देखिए सारे लोगों का हम ओपिनियन देख रहे हैं और सभी लोग जो है वो नाराज हैं, वो बोल रहे हैं कि हम भाजपा को इस बार नहीं देंगे, बीडी राम को नहीं देंगे। और अब हम रेलवे फाटक की जो मांग लगातार चल रही है, हम रेलवे क्रॉसिंग के इस पार हैं, मतलब बिन्हुआ टोला में हैं हम, और अब हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि आप लोगों की क्या समस्या है और आप लोगों का पंचायत भवन कहाँ है, स्कूल कहाँ है, बच्चे कैसे आते जाते हैं, समस्या से कैसे लोग झेल रहे हैं। क्या नाम है आपका? कौशल्या देवी। बिन्हुआ टोला है नहीं? हाँ। आप लोग का पंचायत भवन या स्कूल किधर है? स्कूल वहाँ है निराला टोला। कैसे जाते हैं रेलवे क्रॉसिंग पार दे रेंगा डेगिए के न जाता थे? समस्या तो काफी है फिर। हाँ। आप लोगों को चिंता लगा रहता होगा? तो नहीं चिंता, लेवे आदमी जा लय लाना लय डेगावा लय ये न कर लिया बुढ़ो आदमी झनक जाए। अच्छा कई साल से मांग होखत बा, अब पूरा नहीं होखत, कई साल से मांग होखत बा फाटक के लिए? मांग बहुत दिन से हो रहा है, इधर 2-3 साल से, लेकिन पूरा नहीं हो रहा है? पूरा हो ही नहीं रहा है, कितना आदमी। अच्छा, अभी पूरा नहीं हो रहा है मांग, और अभी 2024 का चुनाव आ रहा है, फिर से लोग नेता विधायक आएंगे और कहेंगे वोट दीजिए, क्या करना है? तो वोट कैसे मिलेगा जब तक लाए हम लोग के नहीं देंगे डेगान रैन क्रॉसिन, हम लोग कैसे देगेंगे? लड़का जा रहा है, हम लोग मार के भगाएंगे। ठान लिए हैं? हाँ ठान लिए हैं कि मार के भगा देंगे, जब तक रेड क्रॉसिंग नहीं मिलेगा किसी का वोट नहीं मिलेगा। देखिए इनका गुस्सा जायज है, जब तक रेलवे फाटक नहीं मिलेगा, लगातार कई सालों से ये मांग चल रही है और यहाँ पर कई घटनाएं भी हुई है। क्या कुछ? हाँ घटना भी हो गया है, एक दो चकिया गाड़ी, एक ठो इमरजेंसी में तबियत लड़का का खराब था, लेके गया गाड़ी लाइन में फंस गया, गाड़ी भी कट गया, लड़का भी बच गया, और दूसरा में एक ठो बूढ़ी वहाँ पर घटना हो गया, वो लाइने में कट गया, एक बूढ़ी हमारा नानी था। कब की बात है ये? एक महीना हुआ है। देखिए हम आपको लगातार बता रहे हैं, क्रॉसिंग पे कई बार घटनाएं हो चुकी है और ये 2 महीना के बाद बता रहे हैं। इनकी कौन थी वो? नानी थे। हाँ चचेर नानी रहे। देखिए ऐसे गरीब की आवाज यदि यहाँ के नेता और विधायक नहीं सुन रहे हैं तो फिर आप सच में वोट के लायक नहीं है, और इस बार जवाब दीजिएगा उन लोगों को। हाँ तो कहे नहीं जवाब दे, क्या कहिएगा आपके? फिर वोट मांगे आएगा? फिर वोट मांगे अथिन तो हम इन क्रॉसिंग मंगवाई, क्रॉसिंग नहीं देते, वोट नहीं दे भाई, आई एक मत नहीं दे। देखिए सब लोग बोल रहे हैं एक मत हो जाएंगे और वोट तभी देंगे जब क्रॉसिंग बन जाएगा। बन जाएगा, हम लोग देंगे वोट, है ना? हाँ लेकिन क्रॉसिंग बनने के बाद? हाँ हाँ बनने के बाद। देखिए इधर भाई लोग हैं, आप लोग ट्रैक्टर चलाते हैं क्या? कहाँ के हैं? यहीं पे रहने वाले। यहीं के रहने वाले? तो समस्या इधर चाची लोग बता रहे हैं कि काफी समस्या है, बच्चा लोग को छोड़ने ले जाने, बहुत समस्या है। सारा जो पंचायत का कार्यालय है वो उस पर है, उसी पर। इस बार क्या करना है, वोट फिर आ रहा है 2024 का चुनाव, फिर सांसद विधायक आएंगे और वोट मांगेंगे, क्या करना है? वोट लेना का लूर है उस सबका। तो आप लोग का जवाब दीजिएगा? वो आए तो पहले
दादी लोग बोले कि फाटक नहीं तो वोट नहीं, आपका क्या कहना है? वही हो है। चलिए, ये लोग सारे लोग गरीब हैं, और एक चीज हम गौर किए हैं कि ये आदिवासी क्षेत्र है, इसीलिए नहीं बन रहा है का? लोग आदिवासी को कमजोर समझते हैं, कमजोर समझा था थी हम इनके, हम इनके रो आदिवासी नहीं है, यही समझ के हम इनके चेहरे कमजोर समझा था थी। अब की इस कमजोरी, अब की क्या करिएगा आप लोग? वोट नहीं मिलेगा, जब तक रेन क्रॉसिंग नहीं मिलेगा तो वोट नहीं मिलेगा, किसी के नहीं मिलेगा वोट। देखिए, आपका जहाँ लोग जागरूक हैं, जैसे आपको कजरी में चल जाइए, आप उधर क्या नाम है रजहरा चले जाइए, लालगढ़ चले जाइए, उधर सगरो मिल गया, यहाँ क्यों नहीं मिल रहा? यहाँ नहीं मिलेगा वोट नहीं मिलेगा, बहुत दिक्कत है, कोई नहीं वोट देगा। लोग यह सोचते बड़े का कि आदिवासी बड़े तक का सवाल उठे हैं, तो हम लोग वोट नहीं देंगे आदिवासी, है ना? जितना आदिवासी है कोई नहीं वोट देंगे, जब कमजोर है तो। इस बार आलोक भी फिर आई है, बीडी राम भी आई है, तब का कहा बहने के? कोई राम आई है, कोई वोट ना मिली, नहीं जब तक हम लोग को रेल क्रॉसिंग नहीं मिलेगा। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम मनोज सिंह है। क्या आप इस बार चुनाव में कैसे वोट करिएगा? आप लोग का लगातार कई सालों से मांग हो रहा है, फाटक का मिल नहीं रहा है। फाटक का तो मांग हो ही रहा है, लगभग 2-3 साल हो गया, और यहाँ काफी घटना होते जा रहा है, हर वर्ष ऐसे कुछ न कुछ लोग, एक दो आदमी कटता है, गाड़ी भी कटता है, ऊपर से केस भी रेलवे लाद देता है उल्टा के पलटा, मतलब और ट्रैक भी नहीं बनाएगा, और गाड़ी किसी तरीके से फंस गया तो केस भी डाल देना, केस भी डाल देना है उल्टा है से हम लोग के बहुत। विधायक भी जाइएगा तो डायरेक्ट है कि अपना घर छोड़ के भाग जाएंगे, तो हम लोग करेंगे क्या? तो अब की वोट में क्या करिएगा? जो हमारा काम करेगा पहले उसी को हम वोट देंगे, जो काम नहीं कर पाए कर देना है, नहीं देना, नहीं देंगे जब तक। अगर पहले बन जा रहा है तो वोट दे देना है खुशी से, अगर क्रॉसिंग नहीं बनता है तो हम लोग वोट देने जाए ही नहीं करेंगे, चाहे बीडी राम का वोट हो, लोक चरोसिया का वोट हो, चाहे कोई भी, केवल पंचायत का वोट होगा उसको हो सकता है। देखिए, क्षेत्रीय विधायक और सांसद ये गांव के लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, इसलिए आपको हिदायत दे रहे हैं, और कई सालों से आपको देख रहे हैं, आपने इनके आवाज़ों पर खड़े नहीं उतरे, लगातार 10 सालों से बोल रहे मांग चल रही है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। लगातार ऐसे चैनल के लिए जो आपकी आवाज उठा रहा है, आप चैनल को सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए। एने जाए तो नदी में डूब के मारा, ओने जाए तो लाइने में पूजा के मारा, लाइनों में पूजा है उल्टी, हम पूजा जाए तो हमारे मर्दाना पर कैसे हो? उल्टी रेलवे वाला केस, उल्टी रेलवे वाला केस कर देवत बने। ऐसे कितने लोगों पर केस होगा? इका डीडी बा, का नाम है बॉस? सोनू सिंह। तो क्या ये लोग का रेलवे वाला क्या करता है? रेलवे वाला जो, जैसे कि अगर जो आपका बाइक कट गया तो उल्टिया मतलब केस करता है, खुद हम 4 दिन जेल काट के आए हैं, और यहाँ लगातार 10 साल से मांग कर रहे हैं, आप कोई सुन नहीं रहा, कोई सुनवाई नहीं है, मतलब आप फाटक भी नहीं बनाएंगे और गाड़ी कुछ होगा दुर्घटना तो केस उल्टा ऊपर उल्टा केस होता है। देखिए, बहुत सारी समस्याएं हैं। देखिए, और अभी देखिए गार्जियन स्वरूप है हमारे बीच, क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए। हमारा नाम मनोज कुमार सिंह है, यही घर हुआ बिनवा टोला में, बिनवा टोला घर। समस्या कितना है आप लोगों का यहाँ? समस्या तो है ये है, यहाँ रेलवे फाटक है ना है, बहुत सारे अथी स्कूल पढ़ने वाला लड़का लड़की सब नहाना बचा जाता है, सब कितना गाड़ी स्टैंड हो जाता है, कभी एक लाइन के ओवरटेक लाइन बना दे, कभी इधर से गाड़ी आता है, कभी इधर से गाड़ी आता है, बहुत दिक्कत था। और दो दो को रेलवे लाइन लेकर आया तो जाम लग जा रहा है गाड़ी, एक बार 3 गो वाला में गाड़ी घंटों भी लग जाता है, घंटों 4 घंटा रुक जा रहा है, कितना कि अंदर से लोग पार कर रहा है, एक बार बिन सिंगलों की गाड़ी कभी जब चालू कर देता है, समझ फसन से देख जाता है। यहाँ घटना लाजमी है, बोल रहे हैं कि बिना सिंगल के भी गाड़ी पार कर देता है, और दूसरी कभी हारा देता है, कभी नहीं हो देता है, समझे कि पार हो जाता है। तो लगातार 10 साल से आप लोग मांग कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है? ना, कहाँ कोई सुन रहा है, मिल जाएगा साला, बहुत दिन से लोग कर रहा है इसी तरह। अच्छा, ये तो जनता की आवाज, अब बीडी राम फिर आई है, फिर वोट मांगे 2024 में चुनाव, लोग सभा का कहिए, कहाँ से हम लोग वोट देंगे? हम लोग को सुविधा तो के वोट देगा? कोई वोट नहीं देगा, हम लोग वोट देंगे, बदलाव करना है। हाँ, बदलाव करना है। चलिए, ये जनता बता रही है कि इस बार बदलाव करना है, लगातार ये जायज भी है, आप इनके वोट से जीत कर जाते हैं और 10 साल एसी में बंद हैं, एसी में आप पड़े हुए हैं, लेकिन इनकी समस्या पर कोई समाधान नहीं हो रहा है, तो ये सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा और आपको इसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। लगातार ऐसे ही खबरों को जानने के लिए
हमारे साथ बने रहिए। और देखिए महिला लोग और भी कुछ समस्या है इनका, हम जानने और क्या समस्या बा। समस्या है कि इधर भी बारात भी नहीं आएगा, शादी ब्याह के सब देख देख के लाइन, कोई ओने ढसमुरेगा, केकरो अथिये टेम्पुए गाड़ी में फंस जाएगा, केकरो उधर इमरजेंसी में कर जाएगा, आए तो कैसे बारात आएगा। मैंने बारात दूरा तक नहीं आवा, दूरा तक कहाँ से आएगा बारात। देखिए एकदम आप समझिए कि अगर बारात को लाना है तो गाड़ी उधर जो है आपका ट्रैक के उधर ही रहेगा, और बारात यहाँ पैदल आता है, पैदल आता है बारात, पैदल आता है बारात। विदाई कर लो तब कैसे कर अब लड़का लड़की के, पैदल जाते हैं लड़की घर से, क्या करेंगे क्रॉसिंग के चलते, क्या होगा क्या होगा, क्रॉसिंग है ये नहीं, विदाई भी होता है तो घर से उधर क्रॉसिंग पार करना पड़ता है, पैदल जाते हैं यहाँ, कोई नहीं गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था नहीं है कुछ, तो कैसे जाएंगे। देखिए समस्या है, बताइए क्या बोल रहे हैं। लड़की के लड़की जब शादी कैली परसल नातिन के, तो दूरा पर बारात आई है ना, लड़की के यहाँ से ही ठा के लाइन डेगा के, तो जाके हम गाड़ी पर बोलोरो पर हम चढ़ा ले। ये एक सामाजिक मुद्दा है और सामाजिक समस्या है, ये हर किसी के साथ होता है। आप कोई भी अगर चाहता है कि शादी करे, बारात लाए तो घर तक आए, दुल्हन को भी अगर विदाई करना है तो घर से विदाई करे, लेकिन ये बोल रहे हैं कि पैदल ले जाते हैं, ट्रैक पार करते हैं और वहां से फिर वहाँ से फिर लाइन डेगा के तब वहाँ हम गाड़ी पर नातिन के बैठा कर यत ले ही। अच्छा अभी उधर से जैसे मान लीजिए किसी का डेथ हो गया, फिर लाता है कैसे, सब ऐसे ही पार करके लाता है, सब ऐसे ही पार करके, सब हिठिए के, सब गाड़ी घोड़ा सब बाजा बाजा वही कर लाइन वही कर रह जाए, हाँ ऐसे ही बिन आजा बाजा के ब्याह शादी हो, दाह संस्कार भी सब वैसे ही, वैसे ही मुर्दो डेगावे बहन तब वैसे ही डे गई है टांग के, या वैसे ही डे गई है, वैसे ही लनी है। अभी बात अब अथी अगर वैसा झपट में गाड़ी चलाई तो आओ जे टंगले बड़े से पूजई है, समस्या एकदम लाजमी है और इस पे विचार करना चाहिए यहाँ के अधिकारी को, यहाँ के जो सांसद है, यहाँ के जो विधायक है, अगर इनकी समस्या आप नहीं सुनेंगे तो आपको ये वोट क्यों करेंगे। इसी जागरूकता के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे थे और लोगों का विचार जान रहे हैं। और अपने दर्शकों से ये जो आप हमारी वीडियोज को देख रहे हैं, जो लगातार जनता की आवाज को बुलंद कर रही है, जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचा रही है, ऐसी यदि कोई समस्या आपके बीच हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और मुझे बुलाइए, मैं आपकी आवाज़ को उठाने के लिए आपके साथ खड़ा हूं। मैं अजय सिंह, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ द न्यूज़ रेवोल्यूशन के लिए। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज़ रेवोल्यूशन लिखकर सर्च करें।